हे गाइस, देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सर कुछ बड़ा हो रहा है। अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, अगर आप देखोगे सर, जो अलेक्ट्रा है, अलेक्ट्रा ग्रीन टेक बहुत ऊपर जा चुका है सर। बहुत का मतलब बहुत खतरनाक रेट निकाल के दे चुका है सर, है कि नहीं है। एक सर JBM ऑटो, वो भी बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे चुका है सर। अशोक लेलैंड सर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है सर। टाटा मोटर सर ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का मतलब सर सोच लो, एकदम गजब तरीके का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लेकिन खबर क्या है वो जानोगे सर, आपको लगेगा कुछ नहीं, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है सर। 12,000 करोड़ का सर इन्वेस्टमेंट होने जा रहे हैं सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दुनिया में। बहुत बड़ा फंड है, आप समझने की कोशिश करिएगा तब आपको पता चलेगा। 12,000 करोड़ सर, एक कार कितने का होता होगा सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का? एक कार ज़्यादा से ज़्यादा सर 20 लाख रुपए का है, इंडिया में एवरेज लेके चलते हैं, या 30 मान लेते हैं सर, 30 लाख रुपए का। सर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, मतलब बाप रे बाप, सोचने वाली बात होगी। आइए देख लेते हैं। पहले टाटा मोटर ने सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को दुनिया में ऑल टाइम हाई जा चुका है, एकदम ऑल टाइम हाई जा चुका है सर, ठीक है। उसके बाद अशोक लेलैंड सर, ये भी देख लीजिए, तो ऑल टाइम हाई जा चुका है सर, बिल्कुल ग्रेट है कि नहीं सर। जो ग्रेट बोलने वाली चीज़ होती है सर, एकदम ग्रेट, ऑल टाइम हाई जा चुका है सर। आयशा मोटर के बारे में क्या ही बोलना सर, ये तो वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स में जाना ही जाता है सर। ये भी देखोगे तो ऑल टाइम हाई है कि नहीं सर, ऑल टाइम हाई। उसके बाद JBM ऑटो, तो सर इनको तो सर मतलब बहुत बड़े बड़े रिटर्न निकाल के दे चुके हैं ये सारे जो स्टॉक हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए इसने भी, कहने का मतलब सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले स्टॉक छा चुके हैं पूरे मार्केट में सर। तो अगला कौन सा ऐसा स्टॉक है जो नेक्स्ट मल्टीबैगर बन सकता है सर, आइए देखते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन एडवाइस या टिप्स नहीं रहेगा सर, एक तरीके की जानकारी दिया जा रहा है यहाँ पर आपको। यहाँ देख सकते हैं सर आप लोग, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है, टू इन्वेस्ट 12,000 करोड़ इन इट्स EV यूनिट, देख सकते हो सर। अब सर ये अपने EV यूनिट में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सर। क्या ये टाटा से भी आगे निकलने की कोशिश करें? हालांकि अगर आप देखोगे तो सर टाटा के जो भी होते हैं व्हीकल्स अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन सर महिंद्रा के भी अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं है कि महिंद्रा ख़राब होता, उसके भी अच्छे ही होते हैं सर। बस फ़र्क क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर। टाटा के पास सर दो एकदम मतलब बोला जाता है ना एकदम क्वालिटी वाले एकदम बेहतरीन ब्रांड है, जिसको बोला जाता है लैंड रोवर जैगवार। महिंद्रा के पास भी है, लेकिन कहने का मतलब है सर उस लेवल में नहीं है जितना जैगवार लैंड रोवर के पास है सर, फ़र्क बस इतना ही है। तो इन्होंने यहाँ पर बोला है कि एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम जो बोला गया है 1,925 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। अब महिंद्रा भी लगभग जो है सारे पैसे को सर फेज बाई फेज डालता है, और देख सकते हो एक एक अगर आप देखोगे तो महिंद्रा के भी मतलब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है मार्केट में मतलब रोड पे आना जो है स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छे रेंज में लाना चाहता है सर। रेंज मतलब मैं प्राइस रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, बैटरी रेंज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सर बैटरी अच्छा रहेगा ना तो सर कार ऑटोमेटिक अच्छा बन जाता है। तो अब लोग बोलेंगे कि सर कल ही स्टॉक खरीद लेना चाहिए। देखो मैं आपको बोलूँगा, कल स्टॉक खरीदोगे, परसों खरीदोगे, दरसों खरीदोगे सर आप लॉस में हो जाओगे। तो क्या करना चाहिए? देखो स्टॉक खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सर। क्यों? देखो लोग आज खरीदेंगे, 6 महीने बाद बोलेंगे 6 महीने हो गया प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, 1 साल हो गया प्रॉफिट ही नहीं हो रहा। सर कंपनी बोलती है महिंद्रा, यहाँ पर देख सकते हो बोला जा रहा ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स अप टू देख सकते हो March 31, 2027। तो सर 3 सालों में ये पैसा जो है धीरे धीरे इस तरीके से करके इन्वेस्ट करेगी सर, ऐसा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आज ही मैं खरीद लेता हूँ स्टॉक कल ही प्रॉफिट देगा, तो नहीं सर, आपको कम से कम जो व्यू होगा वो कम से कम तो 5 साल का रहना होगा सर, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में सर मैं आपको बोलूँगा कोई खास बेनिफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ खास नहीं रहेगा, नॉर्मल बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा सर, ऐसा है। तो टाटा मोटर ने भी बोला था कि 5 सालों में सर हम बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल देंगे, है कि नहीं, 5 या 10 बोला गया था, तो सर निकालना स्टार्ट भी कर दी है। महिंद्रा के कार में अगर आप देखोगे तो बोला जा रहा है सर ऑटो डिवीज़न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इनके जो कार होते हैं सर ये मतलब ऑटो ड्राइविंग पे भी आते हैं, मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आपको ड्राइव करना है सर, वो खुद ही मतलब ड्राइव करेगा, जो कि फॉरेन में आपको देखने को मिलता है टेस्ला में। सेफ्टी के ऊपर भी सर ये बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं ये लोग भी। यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि सर जो UK बेस्ड, यहाँ पर देख सकते हो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है उन्होंने 1200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। और टेमेस्टिक यहाँ पर देख सकते हो 300 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, और भी यहाँ पर देख सकते हो सर ये लोग और भी 900 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सर बाहर वाले लोग भी आ रहे हैं और महिंद्रा में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनको लग रहा है कि भाई हाँ कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लगभग कंपनी यहाँ पर बोल रही है 2 घंटे पहले कि भाई महिंद्रा Q4 देख सकते हो नेट प्रॉफिट जो है रेज 32%, कितना 2038 करोड़, ठीक है। डिक्लेयर यहाँ पर देख सकते हो डिविडेंड, कहने का मतलब है कि सर ये कंपनी 2000 करोड़, तो सर ये कंपनी प्रॉफिट ही कमा लेती है, तो 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने में कैसी टेंशन है सर। 12,000 करोड़ फिर बहुत बड़ी बात नहीं हुई तब तो, है कि नहीं सर, बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर तब तो।
आराम से ये सारा पैसा जो है लगभग जो है 5 साल में सर कई गुना कमा लेंगे, फिर ये लोग कई गुना कमा लेंगे सर। अच्छा, इनका मतलब दिमाग भी अच्छा है कि 3 साल में इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल में इससे 2 गुना निकाल ही लेंगे, ऐसा है। और लंबे समय की बात करते हैं तो सर वो तो अलग ही है। हालांकि गिरावट की बात करते हैं तो गिरावट तो सर एक मार्केट का पार्ट है। 85% यहाँ पर देख सकते हो, लगभग जो है 61%, फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग जो है कि 50%। मतलब याद रखिए, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सर पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी, पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जानकारियों की ज़रूरत पड़ेगी सर। जब महिंद्रा जैसे टाटा मोटर आप लोगों ने देखा सर, 70-80% टूट जाता है स्टॉक। कहने का मतलब है कि सर स्टॉक मार्केट में केवल वही लोग पैसा लगाइएगा जो लोग मतलब जो है उनको पता है कि भाई हाँ मुझे पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर तगड़ा वाला रिस्क होता है। तो अगर आपको पता है सही जानकारी तो आप लगा सकते हैं सर। ऐसा नहीं कि बाद में आप ये मत बोलिएगा कि सर मुझे तो महिंद्रा ने बताया नहीं था कि वो 50% गिर भी सकता है, 70% गिर भी सकता है और फिर मैंने तो लॉस में बेच दिया, अब महिंद्रा मुझे पैसा देगा, ऐसा नहीं होता सर। मतलब बहुत सारे लोग बाहर में बोलते हैं कि सर आपने पूरा बताया नहीं है, उसके बाद मुझे आपने ये कर दिया वो कर दिया इस वजह से। और सर ये ऐसी कंपनी है कि सर सारी चीज़ों में मार्केट शेयर लेकर चलती है, सारे फील्ड में सर, जो बताया जा रहा है 3-व्हीलर 4-व्हीलर या हैवी व्हीकल्स वगैरह आपको ये देखने को मिल जा रहा है 4-व्हीलर में, ठीक है सर, ये मार्केट शेयर भी लेकर चलते हैं, ऐसा है ठीक है। तो ये मार्केट शेयर जो है सर इनको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट देता है। इसके पता चलता है कि भाई 100 में से कितने व्हीकल्स इनके होते हैं, ऐसा होता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि लगभग जो 2-व्हीलर 3-व्हीलर PV देखने को मिल जा रहा है, और ज़्यादा तो सर इनके SUV वगैरह जो बहुत ज़्यादा खतरनाक चलते हैं सर। ऐसा कंपनी का प्रॉफिट वगैरह तो यहाँ पर देख सकते हो, मार्च में बताया जा रहा 35,000 करोड़ का सर इन्होंने जो है सेल्स जनरेट किया। 35 में से अगर आप देखोगे तो सर इन्होंने लगभग जो है नेट प्रॉफिट जो बताया 3,000 करोड़ का है सर, गजब। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आप देख लो तो वो तो सर मतलब अगर आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है सर, बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा है सर, ऐसा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 12,000 करोड़, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो इनके पास काफ़ी मजबूत है। हाँ, कंपनी के पास लोग बोलेंगे बोरिंग ज़्यादा है, चलेगा सर, कुछ कुछ कंपनियाँ बोरिंग लेके ही काम करती है, जैसे बजाज हो जाता है, L&T हो जाता है, इंडिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियाँ सर बोरिंग लेकर ही काम करती हैं। तो ये सर मैंने केवल आपको नमूना दिखाया क्या है कैसे है नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखिएगा, खरीदने बेचने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा कौन सा बेस्ट है, क्या है नहीं है करके। और अगर स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं सर।